हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका माय हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के साथ मैं हूँ राज वर्मा। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टेक्ट को ज़रूर ही सेव करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि वो जो कॉन्टेक्ट आप सेव करते हैं फ़ोन में या फिर सिम में सेव करते होंगे तब तो वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसे सेव करते होंगे जाकर अपने ईमेल आईडी में तो फिर उसे खोजना शायद आपको मुश्किल हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट सेव करना चाह रहा हूँ, 198 मैंने लिखा और इसके बाद कुछ और नंबर डाल देता हूँ और इसे सेव करना चाहता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्ट पे जाके। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर में मेरे पास एक ऑप्शन आता है, गूगल लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस में सेव करना चाहते हैं, फ़ोन में सिम वन सिम टू या फिर ईमेल आईडी है वो किस ईमेल आईडी में सेव करना चाहते हैं। तो देखिए फ़ोन सिम में अगर सेव करते हैं तब ये पूरी तरह से सेफ नहीं रहता है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है फ़ोन के साथ या सिम के साथ तो ये डिलीट हो जाता है कॉन्टेक्ट। लेकिन अगर आपके ईमेल आईडी में सेव होता है तो कभी भी ये खोजा जा सकता है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपको पता शायद नहीं होगा कि अगर आप इसे अपने जीमेल आईडी में या ईमेल में सेव कर देते हैं तो इसे कहाँ से खोजा जाए। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ कुछ नाम लिखकर, और नाम लिखकर मैं यहाँ से इसे आसानी से सेव कर दूँगा। लेकिन जब बाद में खोजने की बारी आएगा कि आप अपने ईमेल आईडी में जाके कहाँ पे इस कॉन्टेक्ट को ढूंढेंगे तब वो कैसे होगा, आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने ईमेल में कॉन्टेक्ट को कैसे खोज सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, तो अगर आप जीमेल में जाइएगा तो आपको सारे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक नीचे में दिया हुआ रहता है कॉन्टेक्ट का, तो इसे पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको प्ले स्टोर में लेकर चला जाएगा और वहाँ से ऐप आपको इंस्टॉल करने बोलेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसे बचना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में जाना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें चले जाइएगा और उसके बाद वहाँ पर सर्च करना है, जीमेल लिख देना है आपको, और जीमेल लिखने के बाद कॉन्टेक्ट लिखना है और इसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो शुरू में जो ऑप्शन आ रहा है, सॉरी ऑप्शन नहीं, जो लिंक अवेलेबल है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, जितने भी कॉन्टेक्ट आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किए हैं वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल कॉन्टेक्ट जितने भी सेव किए हैं वो सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से आसानी से उसे डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इसके साथ जो भी करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट आप में सेव हो चुका है तो डुप्लीकेट में जाइएगा तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट है वो देखिए सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसे मर्ज कर सकते हैं, दोनों को एक ही में मिला सकते हैं, मर्ज कीजिएगा तो दोनों एक ही में हो जाएगा और डिसमिस कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से बहुत ही आसानी से जितने भी कॉन्टेक्ट है आपके यहाँ पर सेव होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉन्टेक्ट आप सेव करते हैं मोबाइल फ़ोन में आप उसे अपने ईमेल आईडी में सेव कीजिएगा, तो इससे फ़ायदा आपका बहुत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा, आपके लाइफ टाइम तक वो रहेगा और कभी भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तरीका दोस्तों आप अपने कॉन्टेक्ट को ईमेल में या फिर जीमेल में खोजने का। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके अंदर में, जीमेल में जाने के बाद यहाँ से अगर आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं कॉन्टेक्ट्स में जाके, तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक छोटे से काम के लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन रखना होगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं इसका सलाह आपको नहीं दूंगा। तो ओके दोस्तों, अब बताइए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।